नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है गाडरवारा से, जहां पर एक आरक्षक और नकली क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने एक बेगुनाह के साथ की मारपीट। आपको बता दें कि गाडरवारा थाने के अंतर्गत निरंजन वार्ड निवासी राजकुमार कश्यप के साथ तीन नकली क्राइम ब्रांच अधिकारियों एवं एक आरक्षक जो कि गाडरवारा थाने में पदस्थ है, उसने इन तीनों के साथ मिलकर राजकुमार कश्यप के घर जाकर उसके साथ मारपीट की और उसका अपहरण करने की कोशिश की, जिसके चलते राजकुमार कश्यप ने SDOP सीताराम यादव को आवेदन देकर यह मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आवेदक राजकुमार कश्यप ने CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग भी थाने में दी, जिससे कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मेरे घर पर सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के लोग जानकारी देते हुए, क्राइम ब्रांच का बोलते हुए 4-5 लोग मेरे घर पर आए और मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालकर गाली गलौज करते हुए हल्का सा मारपीट भी की उन्होंने, और मारपीट करते हुए निकाला और अपनी पर्सनल कार भी थी उनके पास और टू व्हीलर भी। पहले वो पर्सनल कार में बैठा कर मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने के कारण उन्होंने टू व्हीलर पर एक आरक्षक गाडरवारा पदस्थ अनुराग दुबे सर, तो उन्होंने अपनी टू व्हीलर पर बैठा कर मुझे थाना गाडरवारा तक लेकर आए थे। सर ये क्या मामला है? अभी राजकुमार कहा और उनके जो मित्रगण हैं यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि विगत दिनों अनुराग दुबे नाम का लड़का पुलिस वाला कुछ लोगों को लेकर आया, इनकी जांच पड़ताल के आधार पर तो क्राइम ब्रांच के लोग बुलाकर उसको थाने लाए और विवाद के बारे में बताया कि हमारा पारिवारिक विवाद है, उसमें हमारे भाभी हैं, उन्होंने हिंसा करवाया। इस संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है तो उसमें कार्रवाई के लिए बताया गया है, तो हम इसकी जांच करेंगे और जो भी साक्ष्य आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। सर बाहर से लोगों का आना और किसी को घर से आना ये कानूनन गलत है और इसमें कार्रवाई करें।